चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ ब्लॉक मूविंग अप एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स आफ्टर 0.5 सेकंड देन म्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर एक ब्लॉक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर मोशन कर रहा है, तो एम जी और इसका मास है एम, तो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा, ठीक है इस केस में। और ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये रिटार्डेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, मोशन ऑब्जेक्ट उधर चल रहा कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होगा, और ये एफ नेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम इंटू ए वैल्यू। एफ नेट की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कितना होना चाहिए, अगर मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लग रहा है और एम जी साइन थीटा भी इधर लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एफ आर की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होता है, तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ये एफ आर की वैल्यू यहां रख दें, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम कॉमन लेके कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, करेक्ट है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा तो यही एक्सेलरेशन की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, ये रिटार्डेशन है, इसको लिख दें हम, ये रिटार्डेशन हो रहा है, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा उस केस में। तो ये नीचे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस केस में ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू यूज की जाएगी, और फाइनली ऑब्जेक्ट यहां जाके रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गई। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u, और रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगा दिया a into t। तो यहां पर आप यूज कर सकते हो t इज इक्वल टू u by a, यूज कर सकते हो t इज इक्वल टू u by a, और a की वैल्यू यहां हम लोगों ने निकाल ली है एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, u अपॉन, अगर g दोनों में से कॉमन ले लें तो g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा t की वैल्यू। अब टाइम की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टाइम की वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड में रुक जाता है, और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो 0.5 इज इक्वल टू 5 अपॉन g की वैल्यू मैं 10 पुट कर देता हूं, 10 इंटू साइन 30 प्लस म्यू इंटू कॉस 30, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 10 होगा, ये कट जाएगा और ये 10 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 आया, और ये से 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होने वाला है, इसको अगर इधर सॉल्व कर लें, साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 इज इक्वल टू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस म्यू इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 1, 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उधर, तो 1 प्लस म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 2, यानी म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, या ऐसे लिख दें म्यू इज इक्वल टू 1/√3, म्यू की वैल्यू रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से यूज कर लूं, 1/1 divided by 1.732, तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है कितना, 0.577, म्यू की वैल्यू आ रही है 0.577, ये 0.6 के ऑलमोस्ट आ रहा है, ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है नेक्स्ट करते हैं।